योग करे निरोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत की श्रृंखला में आज हम योग के बारे में चर्चा करते हैं। योग में सबसे पहले ध्यान पीजी डिप्लोमा इन योगा राजकीय महाविद्यालय टनकपुर मुहैया शुरुआत हुई। अब ध्यान इसके बाद सूर्य नमस्कार प्रकार हम देखते हैं आसनों का हमारे जीवन पर हमारे शरीर पर जो महत्व है। अब यह शिवानी जोशी कर रही हैं हलासन, इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, कंधे मजबूत होते हैं और मधुमेह रोग में यह लाभदायक है। अब ये रेणु मेहता हमारी छात्रा कर रही हैं चक्रासन। इसमें गर्दन कमर मजबूत होती है। योग करने का नाम है दिन रात हम लोग योग की अनेकानेक मुद्राएं करते हैं जिन्हें हमें जानकारी नहीं होती है। इन्हें समझ बूझ के करना जो हमारे व्यवहार में होना, योग हमारा जीवन है। अब देखिए पर्वतासन जिसे बिमला अटवाल कर रही हैं।
इसके बाद बबीता मेहरा, ये भुजंगासन है। हमारी व्याधियों को हरने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ताड़ासन जिसे कर रही हैं मीना चंद, इसके बाद हम हमारे योग प्रशिक्षक 2021 के लिए भी सत्र के लिए भी है श्री मदन सिंह जी। भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। योग की परिभाषा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि योग क्या है। योग ने योग के बारे में योग कर्मसु कौशलम, उन्होंने कहा कि जो हम नित्य प्रति अपने कर्म करते हैं उसको कुशलता पूर्वक करना ही योग है। और दूसरा, महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा बड़े सरल शब्दों में दी। उन्होंने कहा योगसह चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह है जिसमें हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, उसको अपने बस में कर सकते हैं, और यही योग है।